हादसे की सबसे नई तस्वीर सामने आई है। इस सीसीटीवी फुटेज में हादसे की जो सबसे लेटेस्ट तस्वीर है वो अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। मोरबी हादसे के बाद अब एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं जो दिखा रही है हादसा कैसे हुआ। और ये देखिए, ये हादसे के पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये सबसे ताजा सबसे नई तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं जो कुछ युवक हैं वो उस ब्रिज को हिला रहे हैं। ब्रिज की बाउंड्री को दोनों तरफ से पकड़कर अगर आप देखें ध्यान से तो उस ब्रिज को हिला रहे, और तभी अचानक ये ब्रिज गिर पड़ता है। ये देखिए देखते ही देखते कुछ ही सेकेंड्स में धराशायी होकर टूट जाता है ये ब्रिज और सीधे पानी के अंदर समा जाता है। तो ये सबसे ताजा और एक्सक्लूसिव तस्वीर इस हादसे की टाइम्स नाउ भारत आपको दिखा रहा है। आपने देखा कैसे इस ब्रिज को हिला रहे थे, कुछ युवक इसके ऊपर मौजूद थे और ये जो लोग मौजूद है आप देखिए अगर ध्यान से। और नैना, ये तस्वीर जो दिखाई दे रही है वो अपने आप में बताती है कि एक तो पुल के ऊपर क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे और दूसरा कुछ युवक इस ब्रिज को लगातार शेक कर रहे थे, हिला रहे थे और उसी के कुछ सेकंड्स के अंदर ये ब्रिज गिर पड़ता है। हाँ बिल्कुल श्वेता, और ये बिल्कुल सबसे नई सबसे ताजा तस्वीर टाइम्स ऑफ भारत दिखा रहा है अपने दर्शकों को, और देख पा रही होंगे कि कैसे कुछ लोग यहाँ पर इस ब्रिज के मध्य में हैं, कुछ असामाजिक तत्व वहां पर इस ब्रिज को एक तरह से हिलाने की कोशिश करते हैं और देखते ही देखते कैसे ये ब्रिज पानी में समा जाता है, लोग पानी में समा जाते हैं और कैसे यहाँ पर संतुलन बिगड़ता है, लोग ऐसे पानी में बहते हैं जैसे कागज के तिनके की तरह लोग ये बह रहे हैं। आप देखिए ये तस्वीरें आखिर किस तरह से देखते ही देखते मध्य में बीच में लोग हैं और अचानक से सिर्फ पानी की बौछार नजर आती है। कितनी तेजी से लोग यहाँ पर गिरे, और जो आप जाली देख रहे हैं, जो सस्पेंशन देख रहे हैं वो पूरी तरह से डाउन, और आप देखिए कि जो पुल है वो दोनों तरफ का एक हिस्सा कैसे पूरा नीचे चला जाता है, जो लोग बीच में थे दो हिस्सों में ये पुल नीचे की तरफ गिरा। देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अचानक से पुल टूटता है और लोग नीचे चले जाते हैं, लोगों को संभलने तक का वक्त नहीं मिलता, लोग समझ पाते कि आखिर क्या हुआ, उसी बीच ये पूरा हादसा हो जाता है। ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स ऑफ भारत अपने दर्शकों को दिखा रहा है। देखिए सबसे ताजी तस्वीर मोरवी हादसे की वहां पर लगी सीसीटीवी कैमरे में, ये पूरा कवर हुआ सीसीटीवी में, जो ये तस्वीर कैद हुई वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये आप देखिए कि जब लोग यहाँ पर दिवाली के बाद छुट्टियां मनाने के लिए आए, बरसों बाद जब ये ब्रिज खुला, बड़ी संख्या में लोग थे क्योंकि पर्यटन का एक महत्वपूर्ण ये हिस्सा था, जब लोग यहाँ पर पहुंचे जिसमें महिलाएं बच्चे सब थे। और देखिए जरा यहाँ पर लोग मौजूद हैं, कुछ लोग मस्ती करते हुए उस ब्रिज को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, हिलाते हुए और अचानक से ही देखते ही देखते आंखों के सामने ब्रिज दो हिस्सों में आ पाएंगे, तो बाएं हाथ की तरफ ब्रिज का जो पूरा सस्पेंशन है तार टूटते हैं, लोग संभल पाते उसके पहले ही वो पानी में समाहित हो जाते हैं, पानी में गिर जाते हैं, एक हाथ का पूरा हिस्सा टूटता है, दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ जो तार है वो लटके हुए आपको नजर आ रहे हैं। लोहे का जो ब्रिज, भारी भरकम ब्रिज, 143 साल पुराना ये ब्रिज कैसे धराशायी हो जाता है, कैसे कोलैप्स हो जाता है उसकी ये तस्वीर। जिम्मेदारी किसकी, जो एग्रीमेंट भी हम आपको दिखा रहे थे, ओरेवा जनता मैन्युफैक्चरिंग जिसका 15 साल का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट था, हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, 8 से 12 महीने का वक्त होना था, लिया जाना था, जब इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के तहत रेनोवेशन के बाद में सारे पैमानों को जांचते हुए ये कहा जाए उसके बाद में जब शुरू किया जाना था, लेकिन उन सभी लापरवाहियों को यहाँ पर दर्शाता हुआ ये पूरा सीसीटीवी फुटेज है। सिर्फ 5 महीने के अंदर ही ये ब्रिज शुरू कर दिया गया, लोगों की आवाजाही शुरू कर दी गई, लापरवाही बड़ी स्तर पर लापरवाही नजर आती है, ना सिर्फ ओरेवा एजेंसी मैन्युफैक्चरिंग की बल्कि वहां पर मौजूद उन पर्यटकों की भी यहां पर लापरवाही देखी जा सकती है, जो किस तरह से यहां पर मस्ती तो कर रहे थे लेकिन वो उन्हें नहीं पता होगा कि इतनी बड़ी लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हो सकता है। ये तस्वीर आपके सामने, लोग तिनके की तरह पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं, लोग संभल भी नहीं पाए, जो लगातार तस्वीरें टाइम्स ऑफ भारत अपने दर्शकों को दिखा रहा है उसकी सबसे ताजी तस्वीर, इस हादसे की लाइव तस्वीर टाइम्स नाउ भारत पर, पुल हादसे की सीसीटीवी तस्वीर सबसे पहले हम आपको ये तस्वीर सबसे ताजा
तस्वीर है और ये तस्वीर बताती है कि कैसे वहां पर भीड़ इकट्ठा थी इस ब्रिज के ऊपर शाम को और कुछ युवक इसे हिला रहे लगातार। हिमांशु भी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, ये तस्वीर बताती है अपने आप में कि एक तो क्षमता से ज्यादा लोग उस पर सवार थे ही, दूसरे जो युवक कुछ सवार इस पर थे वो साफ तौर पर ब्रिज को शेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 150 साल पुराना ये पुल है और उसको जिस तरीके से हिलाया जा रहा है और उसके कुछ ही सेकेंड्स के अंदर ये पुल धराशायी हो जाता है और इस पर सवार तमाम लोग नदी में जा गिरते। हिमांशु, भारत हर एक तस्वीर सबसे पहले दिखा रहा है श्वेता, ये तो मानना पड़ेगा। एग्रीमेंट की कॉपी नैना ने दिखाई और हर पहलू को बताया और ओरेवो कंपनी की कितनी बड़ी गलती थी कि 8 से 12 महीने में मेंटेनेंस का आपको वक्त था लेकिन 5 महीने में आपने शुरू कर दिया, वो तो ठीक है उस पर बात होगी। लेकिन इस तस्वीर को देखकर ये चौंकाने वाली तस्वीर इसलिए कही जाएगी क्योंकि दो लोग वहां पर, इतनी सारी भीड़ है पुल पर, इस तरह से वो हैंगे, इस तरह से पकड़े हुए हैं और उसके बाद जोर जोर से इस तरह से यहाँ पर धक्का दिया जा रहा है। एक जगह को आप देखेंगे उसको कैसे धक्का दिया जा रहा है। इससे पहले लात मारने का वीडियो वहां पर दिख रहा था कि एक जो वहां पर लोग बाग है वो लात मार रहे हैं और जो धक्का दिया जा रहा है उसके बाद आप देखेंगे कि केबल यहां पर कैसे टूटा जाता है और केबल को ऐसे खींचा जा रहा है। यहां पर इतनी भीड़, वैसे ही ये ओवरलोड हो रहा है, जैसे नैना और हम बात कर रहे थे, ओवरलोड हो गया। उसके बाद आप धक्का दे रहे हैं पुल को धक्का देने के बाद एक साइड पूरा उसमें झूल रहे हैं तो ये केबलों पर लटका है, बिल्कुल गिर गया है, बिल्कुल। हिमांशु, लोग संभाल ही नहीं पाए। सवाल ये भी खड़ा होता है हिमांशु, ऐसा पुल जो 5 दिन पहले शुरू हुआ, 5 दिन पहले पर्यटकों के लिए खुला, आखिर वो कैसे ऐसे टूट सकता है? कैसे, क्या वो पुल की क्षमता इतनी नहीं थी? क्या ये तमाम जो पैमाने थे वो वहां की कंपनी ने नहीं जांचे? और बिल्कुल ये सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि आपको 8-12 महीने दिए गए हैं ना, तो आप पहले चेक कर लीजिए पूरी बात, लेकिन आप चेक नहीं करते, आप 5 महीने में यहाँ पर ओपन कर देते हैं और उसके बाद वहां पर लोगों की जो यहाँ पर आप प्राकृतिक की खूबसूरती का आप वहां पर मजे लेने जाइए परिवार के साथ, आप वहां पर ये तो देखिए ना कि किस तरह से सकरा पुल है, वहां पर भीड़ ऑलरेडी वहां पर ज्यादा है, आप पार लीजिए, तस्वीरें लीजिए। लेकिन अब वहां पर आप अराजकता कर रहे हैं, वहां पर आप पुल पर झूल रहे हैं, वहां पर आप उसको लात मार रहे हैं, वहां पर आप केबलों को खींच रहे हैं, तो यहां पर ये बहुत बड़ी गलती यहां पर है जो सामने आती है और उसमें हम देख भी सकते हैं कि 100 की क्षमता के बाद कितने सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वहां पर पुल के साथ झूल जाते हैं। तो यहाँ पर ये हादसे को न्योता दिया जा रहा था और ये टाइम्स का 12 तस्वीरों में बता भी रहा है। बिल्कुल, स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन टेस्ट क्या नहीं किया गया, क्योंकि जब ये बार बार कहा जाता है कि जब पुल शुरू किया जाना था उसके पहले ही, जो एक समय सीमा थी उसके पहले अगर ये पर्यटकों के लिए खोल दिया गया तो क्या ये जो टीम थी ओरेवा अजंता कंपनी वो पूरी तरह से आश्वस्त हो चुकी थी कि अब रनिंग कंडीशन में ये पुल आ चुका है? क्या ये टीम पूरी तरह से मान चुकी थी कि अब किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी अगर ये समय से पहले जनता के लिए खोला जाता है? और अगर समय सीमा से पहले खोला जाता है तो क्या हिमांशु ये परमिशन प्रशासन की तरफ से दी गई? बिल्कुल नैना, इसमें ये तस्वीर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखिए ये मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, भूपेंद्र पटेल यहाँ पर पहुंच गए ठीक उसी जगह पर जहां पर ये हादसा हुआ और जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। देखिए एनडीआरएफ की तरफ से कह दिया गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल खत्म हो गया है और ये कहा गया है कि जितने भी लोग थे उनको बचा लिया गया, लेकिन हालांकि 132 लोगों की जान चली गई। ये वो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें देखिए, एक तस्वीर वो कि पुल को हिलाया, मौत को बुलाया और वो पुल धराशायी हो जाता है, गिर जाता है, एक साइड से टूटता है केबल और उसके बाद जितने भी लोग उस पुल पर मौजूद थे सब सीधे जाके मोरबी नदी में गिर जाते हैं। और पहली तस्वीर आप यहां पर देखेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तमाम अधिकारियों के साथ, मदद के साथ इस वक्त मौके पर पहुंच गए हैं और वो जायजा यहां पर लिया जा रहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया वो रेस्क्यू ऑपरेशन में कितने लोग बच पाए हैं, कितने लोगों को सहूलियत दी पाई है, कितने लोगों को अभी अस्पताल पहुंचाया गया और क्या व्यवस्था है, क्या कहीं पर गुंजाइश है कि एक जिंदगी को और बचाया जा सके यहाँ पर, क्योंकि कोशिश यहाँ पर यही थी कि एक एक जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर देना ना। बिल्कुल, आप जरा सोचिए हिमांशु, वो चीख, वो रुदन, वो दर्द जो वहाँ पर अस्पताल में लोग भर्ती हैं, आखिर जिन्होंने अपनों को खोया और जिन लोगों की जान गई उसमें बहुत ज्यादा बड़ी संख्या मासूम बच्चों की है, उन मासूम लोगों की है जो दिवाली की छुट्टी पर अपने घर पर आए और उसके बाद में परिवार वालों के साथ में घूमने के लिए गए थे, इस पर्यटन स्थल पर गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आखिर ये दिवाली भी उनके लिए काली साबित होगी। कई लोगों की जान गई, कई मासूम बच्चे इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे।